नहीं, यहाँ पे तो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव होती तो जो कॉन्वर्सेशन सिक्योरिटी वाले मेरे से कर रहे हैं वो तो होते ही नहीं। एंड फाइनली बीजेपी के लोग यात्रा क्यों नहीं कर देते जम्मू से लाल चौक? इफ इफ सिचुएशन इज सो गुड देन व्हाई डजंट मिस्टर अमित शाह वॉक फ्रॉम जम्मू कश्मीर, फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर? सो आई डोंट थिंक दैट आर्ग्यूमेंट होल्ड्स। गुलिस्तान से रियाज अहमद। राहुल जी, मेरा सवाल है कि इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्क की जो अपोजिशन है वो पूरी तरीके से बिखर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद क्या आपका कोई इनिशिएटिव होगा कि जो अपोजिशन है उसको एक स्टेज पे लाएं? ये नहीं, ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन बिखर चुकी है? नहीं, देखिए, जो जो ऑपोजिशन यूनिटी आती है वो बातचीत के बाद, कॉन्वर्सेशन के बाद, एक विजन के बाद आती है। और ये कहना कि ऑपोजिशन बिखरी हुई है, ये सही नहीं है। जरूर ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हैं, जरूर ऑपोजिशन में बातचीत होती है, बट ऑपोजिशन एक साथ लड़ेगी, एक साथ खड़ी होगी, और विचारधारा की लड़ाई है। जो एक एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं और दूसरी तरफ नॉन आरएसएस बीजेपी की फोर्सेस हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।